खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ हैजी न्यूज में। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार श्री राम लागू का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। चलिए जानते हैं क्या हुआ था उनको और कब उनका निधन हुआ, हम आज की न्यूज में आपको बताएंगे। मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, तो प्लीज़ श्रद्धांजलि ज़रूर देते हुए जाइए इनको और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी ज़रूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। आज हम लोग बात कर रहे हैं श्री राम लागू की। ये एक्चुअली एक एक्टर भी रह चुके हैं, एक प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, एक डॉक्टर भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ ये एक डायरेक्टर भी रह चुके हैं। आप लोग अभी बोल रहे होंगे कि इनके बारे में तो आपको पता नहीं है, पर आपको शायद कहीं ना कहीं पता ज़रूर हो क्योंकि आपने मुकद्दर का सिकंदर देखी होगी मूवी। मुकद्दर का सिकंदर में वैसे तो सब लोगों की आँख अमिताभ बच्चन जी के ऊपर ही थी, पर ये भी वहाँ पर मौजूद थे। पहले हम आपको बता दें कि श्री राम लागू ने पहले तो अपनी MBBS कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने डॉक्टरिंग ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा शौक था कि वो एक्टिंग करे, तो उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया, एक्टिंग सीखा। एक्टिंग सीखने के बाद उन्होंने मराठी फिल्मों में 1969 को सबसे पहले उन्होंने डेब्यू किया और उसके बाद उन्होंने 1972 को उन्होंने फिर दोबारा से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जैसे कि मुकद्दर का सिकंदर मैं आपको बता रही हूँ उस मूवी में। उसके बाद उनको डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, तो धीरे धीरे उन्होंने डायरेक्ट करने चाहिए मूवीज़। उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज डायरेक्ट की जिसकी वजह से उनको अवार्ड भी मिला। अभी बोला जा रहा है कि एक्चुअली में उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी और उनकी एज 92 हो चुकी थी और उसी के साथ साथ वो अभी बीमारी से भी काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे थे और बीमारी के चलते चलते अभी उनका निधन हो चुका है और इसीलिए ये पूरी खबरें बाहर आई हैं। पूरा बॉलीवुड काफ़ी ज़्यादा सदमे में है और लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कुछ लोग ट्विटर पे दे रहे हैं, कुछ लोग उनके घर पे जा रहे हैं उनका अंतिम संस्कार के लिए, वहाँ पर मौजूद हो रहे हैं और वहाँ पर उनका अंतिम चेहरा देख रहे हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को हमारी तरफ से अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको भी अगर बुरा लगा है तो प्लीज़ इनका निधन हो चुका है श्रद्धांजलि कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते हुए जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।